रेडमी नोट 4 के लिए हैवोक ओएस का एंड्रॉयड 11 का एक न्यू अपडेट आया हुआ है। 4.14 का ये बिल्ड है और पिछला आया हुआ था 4.12 का, यानी कि 1.3 वाला जो था वो नहीं आया था। दिसंबर में लास्ट अपडेट आया था हमारे लिए नोट 4 के लिए, अभी फ़िलहाल यहाँ पे फरवरी पे आया हुआ है। तो हालांकि चेंजेस के मामले में ना के बराबर ही देखने को मिलेगा, जैसे कि अभी के एंड्रॉयड 11 जो आ रहे हैं सभी में यही हाल है, क्योंकि ज़्यादातर एंड्रॉयड 12 पर फोकस कर रहे हैं अभी मेंटेनेंस। तो देखते हैं अब इसके अंदर क्या कोई फर्क देखने को मिलता है, उन सभी के बारे में बताऊंगा, बैटरी बैकअप हो या फिर बाकी सारी चीज़ें। तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा। तो जैसे कि हैवोक ओएस का ये 4.14 एंड्रॉयड 11 पर रन करता है, ये ऑफिशियल अपडेट है और सिक्योरिटी पैच अपडेट किया गया फरवरी 2022 का। कर्नल हालांकि जो लास्ट अपडेट में था वही देखने को मिल रहा है, बिल्कुल सेम वर्जन सेलिनक्स इन्फोर्सिंग मिल जाता है पहले की तरह। और यहाँ पे गूगल डिस्कवर बिल्कुल अच्छे से काम करे, हालांकि यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं मिलता है। और जो टाइल्स मिलते हैं ये भी आपके पहले वाले टाइल्स रहेंगे, यानी कि यहाँ पे टाइल्स में कोई भी टाइल्स न्यू देखने को नहीं मिलेगा। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग एक बार आपको दिखाता हूँ इसके अंदर किस तरीके से काम कर रहा है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग जो है सेम ही है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग की परफॉर्मेंस जैसे पहले मिलती थी वही सेम परफॉर्मेंस रहने वाली, यानी कि यहाँ पे भी कोई डाउन ऐसे कुछ नहीं हुआ है। और ऐप ओपनिंग की तरफ चलते हैं तो ऐप ओपनिंग भी फिलहाल पहले की तरह ही ओपन हो रहा है। यहाँ पे ऐप ओपनिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से ओपन हो रहा है, स्मूथ ओपन हो जाता है। थोड़े हैवी वाले बस पे हल्के फुल्के लैग्स मिलते हैं एनिमेशन लिंक। बाकी नीचे भी आपके सारे ऑप्शन सेम है, आइकन पे टैप करोगे तो यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन या फिर सिंगल किल के लिए मिल जाता है ऑप्शन, जो कि पहले से ये सारी चीज़ें थी। तो ये भी अच्छे से काम कर रहा है, तीन का भी आप यूज़ कर पाओगे। यहाँ पे भी आपको कुछ न्यू देखने को ऐसे नहीं मिलता, ये सब पहले के ही थे। और अगर हम यहाँ पे चले कॉलिंग की तरफ तो वॉल्टी काम कर रहा है, वीडियो कॉल आपका वर्किंग रहेगा, ब्लूटूथ ऑडियो मीडिया एंड कॉलिंग दोनों भी यूज़ कर पाओगे। इस बार वनीला एंड जीएफ दोनों ही बिल्ड आया, तो मैं जीएफ वाला क्यों वनीला अगर आप करोगे तो उसके अंदर आपको कॉल रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा। और कैमरा बाय डिफॉल्ट गो ही मिलता है यहाँ पे कैमरा गो, और जीकेएम भी अच्छे से काम कर रहा है। एडवांस कंट्रोल ये भी देखने को मिल जाता है पहले की तरह, तो ये पहले ही वाला है पूरा सेटिंग्स इसके अंदर भी। और एफएम काम कर रहा है। वहीं गूगल फोटो जैसे कि जीएफ वाला इंस्टॉल किया हो तो इसके अंदर गूगल फोटो के अंदर अनलिमिटेड स्टोरेज मिल जाता है, वनीला पे देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हमें देखने को ये मिल जाता है अनलिमिटेड स्टोरेज गूगल फोटो के अंदर में। तो ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। और जैसे कि बताया मैं जीएफ इंक्लूडेड वाला इंस्टॉल किया हूँ। और प्ले स्टोर में चलते हैं तो प्ले स्टोर भी आपको एक बार दिखा देता हूँ कि प्ले स्टोर इसके अंदर सर्टिफाइड है जैसे कि पहले था, आप देख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि सेफ्टी नेट बिल्कुल पास आता है। तो बैंकिंग ऐप भी आप आराम से यूज़ कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के, उसमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। और यहाँ पे लॉन्चर आपका साइडी लॉन्चर जैसे कि मिलता था पहले, वही आपको लॉन्चर यहाँ पे मिल जाएगा। और आपका जो स्टाइल एंड वॉलपेपर है वो भी बिल्कुल पहले की तरह है, वॉलपेपर भी पहले वाला ही मिल जाता है। और इसके अंदर स्टाइल या क्लॉक की बात करें तो वो भी आपको पहले वाला ही मिलेगा। और सेटिंग्स की तरफ चले तो नेटवर्क इंटरनेट सेम है, कनेक्टेड डिवाइस के अंदर कास्ट भी काम कर रहा है। कॉन्फ़िगरेशन सेंटर तक में आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलती, यहाँ पे भी आपका कोई भी चेंज नहीं है। स्क्रीनशॉट पहले की तरह बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। पावर मेन्यू के अंदर से एडवांस रिस्टार्ट आप इनेबल कर सकते हो, और सिस्टम नेविगेशन इनेबल करने के लिए आपको यहाँ पे बैक करके बटन एंड जेस्ट नेविगेशन में आना पड़ेगा। यहाँ जो है आप नेविगेशन बार को इनेबल करके यूज़ कर पाओगे। हालांकि इसके साथ आप हार्डवेयर बटन का यूज़ नहीं कर सकते, हार्डवेयर बटन लाइट तो काम करते लेकिन आप हार्डवेयर बटन का यूज़ नहीं कर सकते। जेस्चर के साथ यहाँ पे नेविगेशन बार इनेबल करोगे तो हार्डवेयर बटन यूज़ नहीं कर सकते, बाकी अच्छे से काम कर रहा है। और यहाँ पे जैसे कि कोई भी चेंजेस नहीं है। और ऐप्स एंड नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो असिस्टेंट बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है, ओके गूगल इसके अंदर वर्किंग है जीएफ्स वाले में। और बैटरी के अंदर चले तो बैटरी की सेटिंग में कोई चेंज नहीं, लेकिन बैटरी बैकअप की बात करें तो 2 आवर 50% ब्राइटनेस पर वीडियो प्ले करने के बाद 82% बैटरी मिली है, जबकि पिछले में 77% थी। जबकि सेम कर्नल है तो हल्का सा इंप्रूवमेंट यहाँ पे मिला है बैटरी के अंदर में। और डिस्प्ले के अंदर भी आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा, वॉलपेपर बेस्ड कलर जो कि आता है वो आपको पहले ही बता दिया था, बाकी सब कुछ भी पहले जैसा है। तो इसके अंदर भी कोई चेंज नहीं है और साउंड के अंदर भी हमें कोई चेंज नहीं मिलता, तो साउंड की भी पूरी सेटिंग्स सेम ही रहेगी। वहीं सिक्योरिटी में चलते हैं तो फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक और ऐप लॉकर मिल जाता है, जो कि सभी अच्छे से काम करे तो आप यहाँ पे यूज़ कर पाओगे और बिल्कुल फास्ट ही काम करता है। तो इसमें आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं मिलती है, तो आपका जो यहाँ पे फेस अनलॉक है या फिर फिंगरप्रिंट बोले बिल्कुल फास्ट अच्छे से काम करे। तो फेस अनलॉक भी आप यहाँ पे देख सकते हो, फिंगरप्रिंट जैसे कि बिल्कुल फास्ट काम करो, फेस अनलॉक भी अच्छे से ही काम कर रहा है और ऐप लॉक तो काम कर ही रहा है। बाकी सेटिंग्स में यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं मिलता, ये भी अच्छे से काम कर रहा है। डिजिटल वर्बिंग ये भी अच्छे से काम कर रहा है, इसके अंदर भी कोई चेंज नहीं है। जैसे कि आपको बता दें सेटिंग्स में बिल्कुल ना के बराबर ही चेंज है। और सिस्टम में जाओगे तो यहाँ पे भी आपका अपडेटर बस मिल जाएगा, बाकी तो सब कुछ सेम ही है यहाँ पे। और एंटूटू स्कोर 1,03,000 है, पिछले वाले में किया था जब तो उस टाइम 1,02,000 था, तो ये भी सिमिलर देखने को मिल जा रहा है। और
अब चलते हैं हम गेम के अंदर। तो गेमिंग मोड जो मिल जाता है, गेमिंग मोड भी सेम ही रहेगा। वहीं अगर हम ग्राफिक में चले तो ग्राफिक भी पहले की तरह ही मिलने वाला है आपका। स्मूथ पे हाई और बैलेंस पे मीडियम तक अनलॉक मिल जाता है। तो हम यहाँ पे स्मूथ एंड हाई पे खेलेंगे। और गेमिंग परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो गेमिंग परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम पहले वाली रहने वाली है। इसके अंदर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, हालांकि यहाँ पे इसके अंदर बैटरी के मामले में थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, जबकि सेम यूज़ किया था, सेम कर्नल इसके अंदर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे बैटरी आपकी इस बार थोड़ी सी ज़्यादा मिल रही है। अगर पहले के मुकाबले देखें तो कुछ परसेंटेज यहाँ पे ज़्यादा है सेम यूजेस पे। तो यहाँ पे बैटरी के अंदर इंप्रूवमेंट ज़रूर आपको मिल जाती है इसके अंदर में, लेकिन आपका जो परफॉर्मेंस है, यूआई है, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं है। सिक्योरिटी पैच आपका अपडेट हो चुका है, बाकी सेटिंग्स में बिल्कुल ना के बराबर ही चेंजेस देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल आपको सेम मिल रहा है अभी सभी, जब जो अभी देखने को मिल रहे हैं एंड्रॉयड 11 वाले, उसी तरीके से यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। यही सारी चीज़ें फिलहाल हमें इसके अंदर मिल जाती है। तो ऐसे एंड्रॉयड 11 अगर आप यूज़ करना चाहो तो यूआई उसे अच्छा मिल जाता है, और एंड्रॉयड भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ मिल जाता है। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर में, कुछ खास फिलहाल है नहीं अभी फिलहाल तो इसके अंदर। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।